गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नावी नेश जन एंब पाठव प्रारंभ होता अमे ना भारत नक्षली समुद्र एलिए बरत नानु तोर्सिते ओके भारत देश अरबी समुद्र बरत बंगाल कोली आमले हिंदू महासागर अंत मत नम देश लक्ष चदर किलोमीटर विस्तीर्ण अंदर फुल एंटायर फुल नम देश अंतर्रे लक्ष चदर किलोमीटर ओके वर्गे मत ना नम देश भाषे हिंदी हिंदी संस्कृत कन्नड इंग्लिश तमिल तेलुगु मलयाली कोंकणी भाषा देश ना ऐनप नम देश और भी हम हमारे देश के बारे में क्या जान रहे हैं हमारे देश इतना बड़ा क्यों है इतना जनप्रिय या किए ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನೆ ಇಎಂಎಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೇನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಔರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸೆ ಮಣಿಪುರ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಹಮಾರ ದೇಶ ಹೈ ಓಕೆ ಇಸ್ ದೇಶ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈ ಮೈನೆ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾತಾ ರಾಜ್ಯ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ದಿಖಾತಿ ಹೂಂ ओके आज हम ऐसे बना इंडिया मैप लीजिए वहां आप क्या करेंगे ऐसे स्टेट्स ड्रॉ करेंगे ऐसे आप स्टेट ड्रॉ करो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे स्टेट्स लिखेंगे ओके राज्य ना बरियोण ओके मेले बरवंथदु जम्मू कश्मीर अब यहाँ मैं जब जैसे जैसे बोलती हूँ वैसे वैसे आप इंडिया मैप में लिखते जाइए ओके ऐसे आप पहले स्टेट्स ड्रॉ करके रखना ओके मेले ऐन जम्मू कश्मीर पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश झारखंड बिहार सिक्किम आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड ओके ये गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु केरल इतने सारे स्टेट्स हम इतने सारे स्टेट हैं ना एक अभी अभी कर्नाटक ही लीजिए कर्नाटक में क्या फेमस है याद है आपको क्या फेमस है यस मैसूर पैलेस कर्नाटक कहाँ है यहाँ है अभी मैं क्या करती हूँ बुकमार्क पता है ना बुकमार्क एक बुक मार्क जैसे छोटा वाला मैंने कट करके लिया है आप उसके ऊपर लिखिए मैसूर पैलेस ओके अभी मैसूर पैलेस हमने लिख दिया कर्नाटक कहाँ है यहाँ है कर्नाटक इसके ऊपर ये हम चिपका ये है मैसूर पैलेस देखिए मैसूर पैलेस दिख रहा है आपको मैसूर पैलेस ऐसे लिखना है ओके इसके बाद महाराष्ट्र हमारे बाजू ही है ना महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र में क्या फेमस है गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ एसएससी ये चार्ट ऐसे बनाएंगे उसके अंदर चिपकाएंगे महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया फेमस ओके चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे मैप में ओके मैंने ऐसे स्टिक्स लिया आप भी ऐसे कर सकते
आपके जो एरिया में आता है ना आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आंध्र है तेलंगाना है वहाँ क्या फेमस सी आपको पता है उधर एक भगवान है क्या नाम है आपको याद कीजिए आंध्र में क्या है तिरुपति। आंध्र प्रदेश में ये नहीं देख तिरुपति उधर चलते हैं तिरुपति आंध्र प्रदेश में तिरुपति क्या। फिर इसके बाद आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान गुजरात। गुजरात में क्या फेमस है पता है आपको गुजरात में हवा महल क्या है हवा महल इधर गुजरात के ऊपर देखते हैं हवा महल क्या। फिर उत्तराखंड में क्या है उत्तराखंड कहाँ है उत्तराखंड में क्या फेमस है उत्तराखंड में केदारनाथ फेमस है यहाँ उत्तराखंड में केदारनाथ। फिर इसके नीचे क्या है इधर दिल्ली है दिल्ली में क्या फेमस है पता है वर्ल्ड अद्भुत में एक है पता याद कीजिए दिल्ली में क्या है दिल्ली में ताजमहल। ओके ताजमहल मैंने लिखा है ताजमहल। फिर जम्मू कश्मीर लडाख ले लडाख ले फेमस ये हमारा बॉर्डर भी है ना ये जम्मू कश्मीर यस। फिर पंजाब कहाँ है यहाँ इधर गोल्डन टेम्पल फेमस है यस। फिर हिमाचल प्रदेश में सिमला क्या फेमस है सिमला इधर ऊपर ही हिमाचल प्रदेश ऐसा देखिए मैंने कैसे ये किया आप भी ऐसे कर सकते। फिर उत्तर प्रदेश में क्या है उत्तर प्रदेश कहाँ है इधर इधर बारा ईमान बारा और भी स्टेट में बहुत सारे फेमस फेमस प्लेसेस है फेमस फोर्ट है कोटेगढ़ स्टोन नदीगढ़ अदू नोड़ ना एक्सापल आगे इश नोड़ी ओके मेले जम्मू काश्मीर हिमाचल पंजाब केदारनाथ दिल्ली उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान आंध्र प्रदेश कर्नाटक ओके केरला में भी है हाँ तमिलनाडु में है टेम्पल्स बहुत सारे टेम्पल्स हैं आप चाहे तो कट करके ऐसे बुक मार्क रहते हैं ना बुक मार्क के वो अच्छी तरह से चिपकता है आप लगा सकते हैं ओके। अभी ये हो गया ये हम जान गए भारत में इतने सारे फेमस प्लेसेस है टेम्पल है बहुत सारे अभी हम हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं के फिर वो हमको पीने के लिए पानी देते हैं और फार्मर को खेत के लिए काम करने के लिए पानी देते हैं ओके। इतने बहुत सारे नदियां हैं आज हम वो मार्क करेंगे ओके। ये मैंने इंडिया मैप लिया है यस मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ ओके मैंने आपको बोला था नदियाँ कैसे ड्रॉ करेंगे ओके पहले हम नीचे जाएंगे ओके
ये मैप है, यह यहाँ से पहले मार्क करेंगे हम, फिर यहाँ है और ये इधर आता है नदियाँ, फिर ऐसे 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 आता है, फिर यमुना आता है यहाँ, फिर ऐसे जाता है, ऐसे आपको मार्क करना है। ओके, ओके बच्चे, मैंने आपको बोला था यहाँ मार्क किया है, यहाँ आता है दो नदियाँ आता है, इधर गंगा, फिर यमुना, ओके। फिर यहां से ऐसे जाता है, ये गोदावरी। चाहे तो आप ब्लू कलर का कलर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि नदियां ब्लू कलर रखते हैं ना, ब्लू, यस। फिर नर्मदा यहां से आके यहाँ, नर्मदा, ये यमुना, इधर गंगा, फिर नीचे कर्नाटक का एक नदी है ना, कौन सा है फेमस, ये है कावेरी, ऐसी नदी, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, यमुना और ये गंगा, बहुत सारे फेमस नदियां है, जनप्रिय नदीगढ़ इवे नमेंगे कुड़ी नीरान उद्दे ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನದಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ನದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋದಾವರಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನದಿಗಳು, ನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಓಕೆ, ಯಮುನಾ, ಗಂಗಾ, ನರ್ಮದಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನಾಳಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಓಕೆ, ಬೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್.